नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसा रहेगा सितंबर का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों का। वृश्चिक राशि वाले, आप अभी तक बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन ये महीना आपकी परेशानियों का हल लेकर आने वाला है। आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव होंगे आपके जीवन में और कौन कौन से गोचर और नक्षत्र परिवर्तन होने वाले हैं सितंबर के महीने में। सबसे पहले बात करेंगे गुरु की। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होगा 20 अगस्त को। गुरु रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशारा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मृगशारा नक्षत्र के मालिक है, स्वामी है मंगलदेव, और मंगलदेव आपकी राशि के भी स्वामी हैं। गुरु मंगल के नक्षत्र में आएंगे तो एक तरह से आप लोगों की लॉटरी लग जाएगी, आपके जो बिगड़े काम थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही गुरु इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके अभी तक जितने भी काम जो अटके हुए थे, आपके कर्जे जो आपने ले रखे थे, उन सभी से आपको निजात दिलाएंगे गुरु। साथ ही साथ दोस्तों, इस महीने आपके दसवें भाव के स्वामी यानी सूर्य देव का गोचर आपके दसवें भाव में होगा, तो यहाँ पर सूर्य जब आएंगे तो आपके भाग्य के रास्ते खोल देंगे। दसवें भाव के स्वामी भी सूर्य देव है। दसवां भाव आपके नौकरी का, आपके व्यवसाय का है, तो आपको नौकरी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे 16 सितंबर के बाद। 16 सितंबर के बाद आप नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुध देव भी रहेंगे यहीं पर सूर्य के साथ, और सूर्य के साथ वो बनाएंगे बुद्धादित्य योग 23 सितंबर तक। 23 सितंबर को बुध का गोचर होगा अपनी ही राशि कन्या राशि में, और आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे बुध देव। यहां पर वो शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तो आपके लिए सितंबर का महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप ये समझिए कि आपके जो भी दुख थे, आपके जो भी बुरे दिन चल रहे थे, उन सभी का अंत सितंबर के महीने में हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जो लोग अभी तक परेशान थे कि उनकी नौकरी नहीं लग रही, वो इतने प्रयास कर रहे हैं उसके बाद भी उनको व्यवसाय में कोई मुनाफा नहीं हो रहा, तो उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको व्यवसाय में मुनाफा होगा, आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उससे भी आपको लाभ होगा, आप नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इस महीने, आपको उससे लाभ ही होगा, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में आने वाले हैं और वहां पर वो बनाएंगे नीच भंग राजयोग। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे थे, आप डर रहे थे कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको उससे मुनाफा होगा। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको सरकारी नौकरी मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि सूर्य आपके दसवें भाव के स्वामी है। साथ ही साथ दोस्तों, मृगशारा नक्षत्र में आते ही गुरु आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको धीरे धीरे निपटाने का काम करेंगे। बृहस्पति यहां पर बैठकर आपको बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देंगे। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो आपकी परेशानियों का हल लेकर आएगा। आपके जीवन में किसी गुरु का प्रवेश हो सकता है, किसी मार्गदर्शक का प्रवेश हो सकता है, जो आपकी परेशानियों से आपको निकालने का काम कर सकता है। इसके अलावा जो लोग अपने माता पिता के सेहत की वजह से परेशान थे, इसलिए परेशान थे कि उनके माता पिता की सेहत अच्छी नहीं है या फिर घर के किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है, उनको भी इस वक्त बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके घर के बुजुर्ग हैं, आपके बड़े हैं, और जब बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में आएंगे तो उनको शक्ति मिलेगी, और आपके बुजुर्ग जो बीमार चल रहे थे, जिनकी वजह से आपके जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ चल रही थी, उनको इस समय बीमारी से निजात मिल सकती है। साथ ही साथ आपके जो अटके हुए काम थे, जो रुके हुए काम थे, आपका रुका हुआ पैसा था, आपने किसी को धन दे रखा था, वो आपको वापस नहीं मिल रहा था, वो भी इस महीने आपको वापस मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश है। विद्यार्थियों का जिनका भटकाव हो चुका था शिक्षा से, के लिए भी मार्गदर्शन का काम करेंगे बृहस्पति मृगशारा नक्षत्र में आने के बाद। मंगल आपके आठवें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और मंगल आपके आठवें भाव में आएंगे तो आपको कुछ चीजों में सावधानी रखनी है, तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना। हो सकता है कि आप किसी बीमारी को इग्नोर कर रहे हो, वो बढ़ जाए इस महीने। इसके अलावा वाहन वगैरह चलाने में भी आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि आठवें भाव में जब मंगल आते हैं
तो चोट लगने की वजह बन सकते हैं, एक्सीडेंट की वजह बन सकते हैं, आपके सिर में चोट लग सकती है। तो आप अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मंगल आठवें भाव में आएंगे तो हो सकता है कि आपको चोट वगैरह लग जाए या फिर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। तो आपको इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है जब तक मंगल आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं। बुध और सूर्य के गोचर से इस महीने आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की, आपके वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति देव और वो अभी आपके सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ में जितनी भी परेशानियां चल रही थी वो सभी दूर हो जाएंगी जैसे ही बृहस्पति मृगशारा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आपके जो डिस्प्यूट थे वो सेटल हो जाएंगे। जिनके ब्रेकअप हो चुके थे उनके जीवन में इस महीने कोई नया आ सकता है। आप किसी नए रिश्ते में बन सकते हैं। जो लोग विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे उनका विवाह तय हो सकता है, विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपका विवाह किसी अच्छे परिवार, किसी कुलीन परिवार में तय हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को इस समय एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो उनका जीवन भर साथ निभाए, क्योंकि बृहस्पति जब आपके सातवें भाव में बैठे होते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन जीवन साथी देते हैं। एक ऐसा जीवन साथी, एक ऐसा पार्टनर देते हैं जो आपको समझता है, आपका ध्यान रखता है और आपकी भावनाओं की कद्र करता है। तो आपके जीवन में किसी ऐसे इंसान का प्रवेश हो सकता है, या तो आप वैवाहिक जीवन में बन सकते हैं या फिर आपको कोई ऐसा लव पार्टनर मिल सकता है जो आपका साथ जीवन भर निभाएगा। दोस्तों, शनि आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके चौथे भाव में वक्री हो रखे हैं। आप अगर मकान या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आपको नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। आपको 16 नवंबर के बाद ही नया वाहन या नया मकान लेने की सोचनी चाहिए, नहीं तो आप हो सकता है कि गलत डील में फंस जाए, आपका पैसा फंस जाए या फिर वाहन वगैरह ले तो आपका उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आपको अभी इन कामों के लिए कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके धन के मामलों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप नई नौकरी शुरू करेंगे, आप नया व्यवसाय शुरू करेंगे और आपको दोनों में ही बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी वृश्चिक राशि वालों की सितंबर के महीने की मेरी प्रेडिक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।